हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉटस्टार पे डिज्नी प्लस ऐड हो गया था, बट उसको कंपनी ने रिमूव कर दिया। तो उसको क्यों रिमूव किया है और उसके पीछे क्या इशू है और कब तक वापस आएगा, तो गाइस मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कल सुबह ही हॉटस्टार पे डिज्नी प्लस ऐड हो गया था। आप वहाँ देख पा रहे थे कि आप उसका यूज़ कर पा रहे थे, आपको वहाँ सब ऑप्शन मिल रहे थे अवेलेबल। मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, मैं आपको दिखा था उस पर। तो गाइस वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ सब ऑप्शन दिख रहे थे, बट अभी उसको हटा दिया गया है। और इसके पीछे शायद कुछ रीज़न ये बता रहे हैं कि उसमें कुछ अपडेट लाना बाकी था और थोड़ा बहुत शोज जब ऐड हो जाएंगे तो वो अपलोड कर देंगे। और गाइस वो थोड़ा बहुत उस पर आ रहा था ग्लिच, थोड़ा बग आ रहे थे, तो कंपनी ने उसको थोड़ा रिमूव कर दिया और उसको भी ऐड करने वाले हैं। तो गाइस ये आपको 3 to 4 वीक में आपको वापस ऐड होकर मिल जाएंगे। जैसे ब्लैक विडो मूवी रिलीज़ हो जाएगी वैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा आप इससे डिज्नी हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस पे, और आप उसका यूज़ कर पाओगे, उसके सब सोर्स एक्सेस भी कर पाओगे, वो भी इसकी हॉटस्टार के सेम प्राइस पे। तो गाइस ये एक रीज़न था कि आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो गाइस और सिंपली उन्होंने थोड़ा बहुत सेटिंग भी चेंज कर दी है यहाँ की, और आपको थोड़ा इंटरफेस भी सेम वही इंटरफेस है, सिर्फ आपको थोड़ा चेंज कर दिया है इसमें। तो गाइस हॉटस्टार पर डिज्नी प्लस 3 to 4 वीक में ना ब्लैक वीडियो के बाद आपको देखने मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।